सरपति, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेटिया कॉलोनी से आए हैं, हमारे पास में टावर लग रहा है प्रदीप तुनगरिया, और वो टावर बहुत नुकसान करा जा रहा है, उनको हटाया जाए। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी बहुत है, इसमें बहुत है बीमारी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पास में स्कूल है और हॉस्पिटल है सुना, और मंदिर है, तो नुकसान तो बहुत कुछ है। दी ना कुछ, कुछ दिक्कत नहीं निकला, नहीं कुछ भी नहीं निकला। आज कहाँ आए आप? कनेक्शन करो लाइट। आपका नाम? पहाड़गंज जटिया कॉलोनी का मामला है, वार्ड नंबर 21, जिसमें किरण तुनगरिया जी पार्षद हैं, वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं। इनके जो पति हैं प्रदीप तुनगरिया जी, इनके घर के ऊपर टावर लगाया जा रहा है, जो इससे जनता में काफ़ी रोष है, विरोध है, क्योंकि ये टावर से कई नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि आसपास में मंदिर भी है और डिस्पेंसरी भी है। इनका कहना है कि 100 मीटर के अंदर नहीं है, लेकिन 100 मीटर के ज़रा सा बाहर है, ये मानते हैं। उसका मौका का फ़ायदा लेके ये टावर लगा रहे हैं। अगर जनता आपका विरोध कर रही है, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है, आपने जनता को नहीं बनाया, जनता ने आपको वोट देकर एक प्रतिनिधि के रूप में आपको निगम के अंदर बिठाया है। चीज़ का टावर लगा रहे हैं, ये एक मोबाइल टावर लग रहा है, और जिससे फ़ायदा होने वाला नज़र नहीं आ रहा है, और नुकसान होने वाला कई कारण नज़र आ रहे हैं। तो अगर जनता आप ही को बोल रही है, आप ही की जनता बोल रही है, दूसरे वार्ड की जनता तो बोल नहीं रही है, कि किसी गांव खड़े के आगे लोग बोल तो नहीं रहे। जब आसपास की जनता आपको बोल रही है, तो वो काम नहीं होना चाहिए ना। बीजेपी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी के नारे यूँ लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी पार्टी के पार्षद है, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही नज़र आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदीप तुनगरिया जी से हाजिर होकर निवेदन करना चाहता हूँ, आप कृपया करके इस टावर को रोकें, क्योंकि जनता आपको जिताकर प्रतिनिधि बनाकर निगम में भेजा है, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आप लोगों को कहते हैं और सुनाई में आ रहा है कि कार्रवाई करने की बात है, तो कोई जनता में कार्रवाई की नहीं होती है, क्योंकि आपके सबका आपका परिवार है, ये वार्ड आपका परिवार है, तो वार्ड के परिवार की जनता को संभालना आपका कार्य है। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, अगर संतुष्ट जनता नहीं है, तो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास आपको जनता का करना है, वार्ड का करना, खुद का विकास नहीं करना है। कि माननीय अनिता बदेल जी हमारे क्षेत्र की विधायक है, ये मामला पहले से काफ़ी समय से चल रहा है, उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को और निगम कमिश्नर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, तो ये बात उन तक पहुंच चुकी है। क्षेत्र की विधायक होने के नाते भी आप अपने पार्षद को समझा सकती थी, बात कर सकती थी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मिलीजुली मामला लग जा रहा है। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं, वापस अवगत कराने हैं कि जनता में काफी रोष है, उसका तुरंत प्रभाव से टावर को रोका जाए। मुकेश सबलानी।